नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सभी विभाग आज सौंपेंगे 7 निश्चय 2 की कार्य योजना। 7 निश्चय 2 के लिए विभागों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है उन्हें जमीन पर उतारने के लिए विभाग की कार्य योजना क्या होगी, सरकार इससे आज अवगत होगी। राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई थी। बैठक में विभाग सरकार को अपनी अंतरिम योजना से अवगत कराएंगे। राज्य के अगले 5 साल के विकास की कार्य योजना की कई महत्वपूर्ण योजनाएं 7 निश्चय पार्ट 2 में शामिल की गई है, जिन पर 15 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को 7 निश्चय 2 की विभागवार अंतरिम कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। विभागों को 7 दिन का समय दिया गया था। सोमवार को ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिहार विकास मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक होनी है। आने वाले 2 दिन तक शीतलहर से बिहार को राहत नहीं, पूरा बिहार भीषण शीतलहर की चपेट में नजर आ रहा है। बर्फीली हवाओं की गति में तेजी आने से बिहार समेत उत्तर भारत में सर्दी का बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल राज्य के 26 जिलों में भीषण शीतलहर देखने को मिल रही है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन तक शीतलहर जारी रहेगी। राज्य में ऑरेंज अलर्ट है, लोग सावधान रहे, लापरवाही करने पर सर्दी खांसी एवं फ्लू की चपेट में आ सकते हैं। बीते दिन गया जिला सर्वाधिक ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो पटना का हाल भी बेहाल रहा, न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी की हवा में 92% नमी दर्ज की गई। राज्य के जल क्षेत्र वाले इलाके में सुबह से ही घना कोहरा देखने को मिला। राजधानी समेत राज्य के अधिकांश भागों में धूप निकली, लेकिन बर्फीली हवा से उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। एक बार परीक्षा दे चुके छात्र भी दे सकते हैं जेईई एडवांस। जेईई मेंस या एडवांस की परीक्षा में अब ऐसे छात्र भी बैठ सकते हैं जो 2020 या उससे पहले परीक्षा दे चुके हैं। ऐसे छात्र अब 2021 में भी परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माने जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से नया परिपत्र जारी किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में जारी किए गए परिपत्र में यह बात सामने आई थी कि 2020 या उससे पहले जेईई मेंस या एडवांस की परीक्षा दे चुके छात्र जेईई एडवांस 2021 की परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद छात्रों में असमंजस की स्थिति देखने को मिली थी। मिली जानकारी के अनुसार एनटीए प्रावधान के मुताबिक कोई भी छात्र जेईई एडवांस परीक्षा लगातार 2 साल तक दे सकता है। ऐसे में आईआईटी में दाखिले के लिए कई बार छात्र जेईई मेंस देने के बाद एडवांस की तैयारी के लिए 1 साल ड्रॉप भी कर सकते हैं। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे शिल्पा सिंह की। शिल्पा सिंह का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले में आज ही के दिन हुआ था। शिल्पा सिंह एक भारतीय गायिका, डांसर, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। वो आई एम शी मिस यूनिवर्स इंडिया 2012 में उपविजेता रही थी। उन्होंने लास वेगास में मिस यूनिवर्स 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 10 में से 9.6 के स्कोर के साथ साक्षात्कार प्रारंभिक प्रतियोगिता में टॉप करने के बाद सेमीफाइनलिस्ट बन गई थी। पुराने सिस्टम से ही होगी जमीन अधिग्रहण की मॉनिटरिंग। सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की मॉनिटरिंग का पुराना सिस्टम फिर से शुरू होगा। पथ निर्माण विभाग उन सड़कों का ब्यौरा अपडेट कर रहा है जिनके लिए सड़क अधिग्रहण का मामला लंबी अवधि से अटका पड़ा है। मुख्य सचिव के स्तर पर अब इसकी नियमित मॉनिटरिंग के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी भी मॉनिटरिंग तंत्र में शामिल रहेंगे। पथ निर्माण विभाग द्वारा उन सड़क पर योजनाओं की सूची तैयार की जा रही है जो 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है। उन्हें लंबित होने के मूल में जमीन अधिग्रहण बड़ी समस्या है। यह इस वजह से ही सड़क की लागत भी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बाबत जल्द ही एक प्रेजेंटेशन भी तैयार किया जाएगा। टीकाकरण का काम जनवरी महीने से हो सकता है शुरू। कोविड-19 के इस माहौल में देश एक और कदम बढ़ाने को तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बीते दिन साफ तौर पर कहा है कि देश में जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। एक साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि जनवरी से किसी भी समय हम देश की जनता को पहला टीका लगाने की स्थिति में होंगे। कोविड-19 के टीके और शोध के मामले में भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। वैक्सीन का सुरक्षित होना और प्रभावी होना हमारी प्राथमिकता में से है। इस मामले में हम कोई समझौता नहीं चाहते हैं। इससे पहले शनिवार को कोविड-19 पर मंत्री समूह की 22वीं बैठक में उन्होंने कहा कि 6 से 7 महीने में हमारे पास करीब 30 करोड़ आबादी को टीका देने की क्षमता होगी। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ प्रोन्नति को लेकर चलाएगा आंदोलन। बिहार प्रशासनिक सेवा संघ प्रदेश की नई सरकार के समक्ष प्रोन्नति का मामला उठाने वाला है। अगर बात नहीं बनी तो संघ प्रदेश में प्रोन्नति के मुद्दे पर चरणबद्ध आंदोलन करेगा। रविवार को बिहार प्रशासनिक सेवा संघ की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
बैठक में शिक्षा सेवा, अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य सेवा के साथ राजपत्रित महासंघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए और उन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा संघ को अपना समर्थन दिया। बैठक की अध्यक्षता बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष और महासंघ के समन्वयक शशांक शेखर सिन्हा ने की। उन्होंने बैठक में कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति पर रोक से राज्य कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। सिन्हा ने कहा कि महासंघ का मानना है कि राज्य कर्मियों की प्रोन्नति का मामला वैज्ञानिक है और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। सफाई के लिए नगर निकायों में लागू होगा सुपौल मॉडल। कोसी इलाके का छोटा सा सुपौल नगर परिषद राजधानी समेत राज्य भर के नगर निगम और नगर निकाय के लिए मॉडल के रूप में काम करने वाला है। सुपौल के सफाई के मॉडल को प्रदेश भर के नगर निकायों में लागू करने की योजना है। इसको लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर निगम और निकायों को निर्देश जारी कर दिया है। सुपौल नगर परिषद में सफाई को लेकर कई अभिनव प्रयोग किए गए हैं। यहां नगर परिषद की तरफ से सभी घर में सूखे और गीले कचरे के लिए जरूरी ग्रीन और ब्लू डिब्बे के अलावा पीला डिब्बा भी बांटा गया है। इस पीले बॉक्स में सैनिटरी पैड्स, बच्चों के डायपर, इस्तेमाल किए गए मास्क समेत अन्य मेडिकल वेस्ट फेंकने को कहा जाता है। यही नहीं, इसमें फेंके गए हानिकारक वेस्ट से नगर परिषद द्वारा खाद बनाया जाएगा जिसे किसानों के बीच कम कीमत पर बेचा जा रहा है। निरहुआ की फिल्म सोशल मीडिया पर मचा रही है धूम। भोजपुरी स्टार निरहुआ की मूवी निरहुआ रिक्शावाला 2 यूट्यूब पर लगातार धमाल मचा रही है। इस भोजपुरी मूवी को अब तक 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दिनेश लाल यादव ने फिल्म का पोस्टर इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए यह जानकारी दी है। दिनेश लाल यादव ने अपने प्रशंसकों से पूछा है कि क्या आप लोग निरहुआ रिक्शावाला 3 के लिए तैयार हैं? निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पर अपलोड मूवी के वीडियो को इतनी बड़ी संख्या में व्यूज मिलना मायने रखता है। 2016 में मूवी को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस फिल्म में उनके साथ आम्रपाली दुबे ने एक्टिंग की थी। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर कल हो सकती है अहम घोषणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल देश भर के शिक्षकों के साथ बातचीत करने वाले हैं, जिसके बाद यह उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं की 2021 की बोर्ड परीक्षा की तारीखों की घोषणा भी की जा सकती है। आपको बता दें कोविड-19 के बीच केंद्र सरकार ने समय पर परीक्षा कराने को लेकर पहल की है, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न माध्यम से देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ अलग अलग तारीखों पर संवाद करने का फैसला सुनाया है, जो उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार ही परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित विस्तृत योजना बनाई जाएगी। नित्यानंद राय ने भ्रम फैलाने वालों से किसानों को सावधान रहने की दी नसीहत। कुछ पार्टियां किसानों से उनके हित में लिए गए निर्णयों का भी विरोध करवा रही है। भ्रम फैलाने वालों से किसानों को सावधान रहने की नसीहत दी जा रही है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी बीते दिन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में किसानों को ऐसे लोगों से बचकर रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से फार्मिंग करने की छूट किसानों को दी गई है। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि मोदी सरकार की कृषि कानून ने किसानों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। कॉमन सर्विस सेंटर के तहत मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को दुनिया भर के बाजार से जोड़ने का काम मोदी सरकार ने किया है। कानून से किसानों को आजादी मिली है। पप्पू यादव ने पखारे किसानों के पांव। पिछले 5 साल से किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने बीते दिन किसानों के पांव धोए। पप्पू यादव ने कहा कि उनकी पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि किसानों के साथ वो पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। कृषि कानून के वापस होने तक उनका यह संघर्ष जारी रहेगा। पप्पू यादव ने आगे यह भी कहा कि देश की आधी आबादी कृषि क्षेत्र से जीवन यापन करती है। इन 3 काले कानून से देश की आत्मा को छलनी किया जा रहा है। इस दौरान पप्पू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा और कहा है कि मोदी सरकार 30 करोड़ हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है और मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथ में उसको देना चाह रही है। आज किसान इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें खालिस्तानी, उग्रवादी, पाकिस्तान और चीन समर्थक कहा जा रहा है। एमएसके प्रसाद ने विराट कोहली की गैर मौजूदगी में इस खिलाड़ी को प्रमोट करने की कही बात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पहले मैच में मिली शर्मनाक हार के बाद भारत की टीम की राह मेलबर्न में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में आसान नहीं होने वाली है। वहीं खेले जाने वाले दूसरे मैच में भारतीय टीम के कप्तान भी मौजूद नहीं रहेंगे। उनकी मौजूदगी में एमएसके प्रसाद ने इस खिलाड़ी को प्रमोट करने की बात कही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें पूर्व सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने कोहली की गैर मौजूदगी में हनुमा विहारी को प्रमोट करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि विहारी के पास अच्छी टेक्निक और टेम्परामेंट है और वो इस टेस्ट टीम में लंबे समय तक बने रह सकते हैं। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 1 करोड़ के पार। देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर
24,337 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 1,55,560 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 333 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,45,810 पर पहुंच गई है। वहीं अब तक पूरे देश में कोरोना का प्रभाव कम होता जा रहा है, जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें, भारत में अब तक कुल मिलाकर 96,06,111 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत में 3,03,639 सक्रिय मामले बचे हैं। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की गैर मौजूदगी में किस खिलाड़ी को टीम में जगह देनी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब